फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट एपिसोड टिफिन रेसिपीज लेके आई हूं। इस एपिसोड के लिए मैंने आपसे पोल मांगा था कि टिफिन रेसिपीज या फिर डोसा। 1000 से ऊपर वोट थे और डेफिनेटली टिफिन रेसिपीज को मिले थे 78%। लेकिन जो 22% लोग थे जिन्हें डोसा की रेसिपी देखनी थी, वो निराश ना हो, क्योंकि अगली रेसिपी हमारी डोसा आएगी एकदम क्रिस्पी। बढ़िया सा डोसा कैसे बनाए घर में मैं आपको बताऊंगी, ताकि फेस्टिवल्स के टाइम पे आप बना सकें। तो आइए अब आज की टिफिन रेसिपी शुरू करते हैं। और हमारी पहली रेसिपी है मंडे की रेसिपी, जो हम बनाने वाले हैं पनीर से। यह है पनीर जालफरेजी, या फिर वेज जालफरेजी भी आप इससे इंस्पायर होकर बना सकते हैं। थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी टैंगी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और ट्रस्ट मी, ये इस सब्ज़ी की सबसे इजी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं पनीर जालफराजी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पनीर जालफरेजी, जो मंडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे बनाने के लिए हम डालेंगे पैन में 1 चम्मच तेल। इसमें बहुत ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं डालना है। इसको हम अच्छे से पैन में फैला देंगे और साथ ही अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम और उन्हें चॉप कर लिया है। इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो इसे अब डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्याज से पहले डालिएगा। तो अब हम प्याज को ऐसे ही भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक और जरा सा लहसुन। ये दोनों ही लगभग 1-1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने। आप चाहें तो इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब हम इन्हें भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। और जब इसकी महक चली जाएगी तब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हमें बिल्कुल कॉमन मसाले डालने हैं, जैसे हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। यहाँ पे मैं आपको क्वांटिटी इसलिए स्पेसिफिक नहीं करके बताती, क्योंकि हमारे जो मसाले होते हैं वो हम घर में खुद पीस के बनाते हैं, इसलिए ये बाजार के मसालों से कम पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और इन्हें हम 10-15 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम इस तरह से मसाले डालते हैं, हमारे पास या तो टमाटर पिसा हुआ रखा होना चाहिए या फिर 1/2 ग्लास पानी, क्योंकि सूखे मसाले बहुत जल्दी पक जाते हैं। और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ था। और अब हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है। ये बहुत ही बेसिक तरह से शुरू हुई है सब्जी, लेकिन बाद में जाके इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और ये बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम टमाटर के मसाले को थोड़ी देर के लिए, लगभग 3 मिनट के लिए पकने देंगे ढक के। और अब हम इसे खोल लेते हैं और अब हम इसमें टेस्ट चेंजर डालेंगे, जो है 2 चम्मच टमाटो केचप। अगेन ये भी ऑप्शनल है, मैं बहुत ज़्यादा सब्जियों में टमाटो केचप वगैरह नहीं डालती हूँ, बट इस सब्जी में टमाटो केचप का अपना अलग टेस्ट होता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। सिर्फ 2 चम्मच डालना है। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच मलाई, जो इसको थोड़ा सा रिच बनाएगी। अगेन ये भी ऑप्शनल है, बट अब हम जालफरेजी बना रहे हैं तो हमें थोड़ा तो अलग करना होगा। ये देखिए हमारा मसाला जो है काफ़ी रिच तैयार हो गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, इसलिए तेल यूज़ आउट नहीं होगा। और इसे बस हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, मलाई जब तक अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाती। और अब हम इसमें सब्जियां मिला देंगे। इसमें आप अपने मनचाही सारी सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन्स डाली है, गाजर डाली है, लाल पीली हरी शिमला मिर्च डाली है। अभी थोड़े दिन बाद सर्दियों का और मौसम आ जाएगा, तो इसमें और भी अच्छी सब्जियां जैसे गोभी और कॉर्न वगैरह भी हम मिला पाएंगे। ये देखिए, और अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो आप इसको वेज जालफरेजी भी बना सकते हैं, और ये इस सब्जी को बनाने का सबसे ईजी मैथड है। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम इसलिए डालते हैं, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर दे देती है। और इस सब्जी में जहाँ पे घी तेल कम पड़ा है, ये सारे जो मसाले होते हैं ये इसे बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनाते हैं। इसे हम ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सब्जियों का क्रंच खत्म ना हो। और इतने हम पनीर काट के तैयार कर लेंगे। ये होममेड पनीर है और इसको हमने थोड़ा लंबा लंबा काट लिया है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, सारी सब्जियां एक ही तरह से लंबी लंबी कटी हुई हैं। ये एक सब्जी में यूनिफॉर्मिटी लाती है। आप अगर छोटा काटना चाहते हैं तो छोटा काटिए, लंबा काटना चाहते हैं तो लंबा काटिए, लेकिन हर चीज़ को एक ही तरह से काटिए। तो अब हम इसमें पनीर मिला देंगे और आप देख सकते हैं सब्जी अभी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ऐसा खाना बताइए जो ठंडा होके अच्छा लगे। गाइस ट्रस्ट मी, आप इसे 4, 5, 6 घंटे रख के भी खाएंगे तब भी ये इतनी ही टेस्टी लगेगी।
तो अब हम पैक करते हैं इसको टिफिन में, रोटी के साथ में थोड़ी सी दाल भी है क्योंकि बनी थी घर में, नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको टिफिन, जरूर से कमेंट में लिखिएगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको पनीर दाल फ्रेजी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो है भरवा बैंगन। आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि मैं सीजनल सब्जियां नहीं बता रही हूँ, तो अब हम बनाएंगे भरवा बैंगन। और इसमें बनाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनाने वाले हैं, वो आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि उसको हम आगे भी यूज़ करेंगे कुछ चटपटी रेसिपी में। तो आइए बनाते हैं भरवा बैंगन। भरवा बैंगन बनाने की शुरुआत हम करेंगे कलौंजी मसाला या अचारी मसाला बनाने से। इसके लिए हमें चाहिए होती है धनिया। यहाँ पे मैंने 2/3 कप साबुत धनिया ली हुई है, धनिया थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और इसके साथ हम लेंगे 1/2 कप सौंफ, इनका यही रेशियो होता है। साथ ही लेंगे 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी बहुत ही कम ली जाती है, आप चाहें तो 1/2 चम्मच भी ले सकते हैं, अदरवाइज मसाला कई बार काफ़ी कड़वा हो जाता है। तो अब हम इन चारों मसालों को भूनेंगे। ये मसाला हम आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसे स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे इन चारों चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि धनिया जो है वो अपना कलर चेंज ना कर दे, एकदम थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा और बहुत अच्छी सी खुशबू, एकदम अचारी खुशबू आपके किचन में आने लगेगी। अब हम इसे झटपट प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे हम अच्छे से थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं जब तक कि मसाले क्रिस्पी हो जाएं। और इसके बाद हम डालेंगे इसे मिक्सर के अंदर और थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक इसे नहीं करना है। तो ये हमारा कलौंजी मसाला या अचारी मसाला तैयार है। तो अब यहाँ पे हमने लिए हैं 7 लंबे बैंगन और लिए हैं 4 प्याज। नॉर्मली इसका रेशो ऐसा होता है कि 8 बैंगन तो 4 प्याज, थोड़ा सा हमारा मसाला एक्स्ट्रा होगा। अब हमें बैंगन को स्लिट करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले हम इसका जो ताज है उसको रिवर्स डायरेक्शन में खींचेंगे और उतारेंगे ताकि इसकी जो डंडी है वो भी अच्छे से छिल जाए। निकालना नहीं है, डंडी लगी रहनी चाहिए, पलटने में थोड़ी सी आसानी होती है। और इसे बीच में से स्लिट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, और इसी तरह से हम सारे बैंगन स्लिट करके तैयार कर लेंगे। अब हमें कद्दूकस करना है प्याज को। यहाँ पे प्याज को पीस नहीं सकते हैं, इसे हमें कद्दूकस ही करना होता है, या फिर आप चाहें तो बारीक काटिए मगर उसे पहले भूनना पड़ता है। यहाँ पे कद्दूकस करके हम इसमें डायरेक्टली मिलाएंगे मसाले। मसालों में थोड़ा नमक डाला है, साथ में डाली है थोड़ी सी हल्दी। नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, बैगन के हिसाब से भी डालेंगे। और अब डालेंगे वो कलौंजी मसाला जो हमने बना के रेडी किया था। इसका अपना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है। इसमें ज़रा सी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर भी ऐड किया जा सकता है। तो अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा स्टफिंग के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब हम इस मसाले को बैगन के अंदर फिल कर लेंगे। हमने जो स्लिट किया था उसी में हमें इस प्याज को दबा दबा के अच्छे से फिल कर देना है। ये देखिए प्याज का रस छूटेगा लेकिन कोई बात नहीं, उसे भी हम अच्छे से फिल कर देंगे। और इसी तरह से हम सारे बैंगन भर के तैयार करेंगे। याद रहे स्लिट ऐसा लगाइएगा कि बैंगन के 2 टुकड़े ना हो, वो नीचे से जुड़ा रहे। और इस तरह से बोट की तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें हम फिलिंग करेंगे। भरवा बैगन एक बड़ी वर्सेटाइल सब्जी है, ये जहाँ दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है वहीं पराठे पूड़ी के साथ तो इसका क्या कहना। तो ये देखिए बातों बातों में हमारे सारे बैंगन भर के तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें पकने के लिए रख देंगे। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल पड़ेगा क्योंकि बैंगन अच्छे से इसमें पकेंगे, पर इसको पकने में सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे। बिल्कुल धीमी आँच पर हमें इसे पकाना है और पैन में पका रही हूँ मैं ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे हम बैंगन को इसी तरह से अरेंज कर देंगे और इस पैन में ये सारे बैंगन बहुत ही परफेक्टली आ गए थे और शायद अगर एक भी ज़्यादा होता तो ठीक से ना आ पाते। तो यहाँ पे हमने बैंगन को रख दिया है। इसको बनाने की तैयारी में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है मगर हाँ ये बिल्कुल वर्थ इट है और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको कोई भूनना नहीं है। तो अब हम बैंगन को ढक देंगे और एक तरफ से पकने में इन्हें लगभग लगभग 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए हम 5 मिनट बाद इन्हें चेक कर रहे हैं तो अभी बैंगन हुए नहीं है प्रॉपरली। इसको मैं पलट के देख रही हूँ लेकिन अभी ठीक से हुआ नहीं है। तो अब हम इसे ढक के वैसे ही फिर से पका देंगे और फिर एक बार हम इस तरह से फ्लिप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला निकलेगा मगर कोई बात नहीं, वो भी नीचे भुन जाता है और बहुत अच्छा लगता है।
तो इन टोटल इसे पकने में लगे हैं 20-25 मिनट और इसको आप मोबाइल टाइमर की हेल्प से कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइमर लगाइए फिर चेक कीजिए। जैसे सुबह सुबह कई बार बहुत सारा काम होता है तो मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ कि टाइमर्स लगा लेती हूँ छोटे छोटे। और ये हमारी भरवा बैंगन की सब्जी तैयार है टिफिन में जाने के लिए और इसके साथ में आज जा रही है सिंपल मूंग की दाल। वैसे इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है अरहर की दाल और साथ में जा रहे हैं थोड़े से प्लेन चावल और रोटी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल सा ट्रेडिशनल टिफ़िन कैसा लगा। सो गाइस, ये थी हमारी भरवा बैंगन की रेसिपी और ये जो भरवा बैंगन है आप इसे ट्रैवल में भी अपने साथ ले जा सकते हैं आराम से। 10-12 घंटे अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चल जाते हैं। प्लस ये बासी पूड़ी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और अपना जो भी एक्सपीरियंस हो मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं कि ऐसी सब्ज़ियाँ जो ठंडी होकर भी अच्छे लगें, तो ये उनमें से एक है। और पनीर दाल फ्रेज़ी भी, वो भी ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हमने सुबह बनाई थी उसके बाद कुछ कुछ काम में लग गए, खा नहीं पाए, शाम को 5 बजे रोटी बैठ के खाई एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही अच्छी थी। तो आइए अब बनाते हैं अपना वेंसडे का टिफिन, जिसमें सबसे पहले हम एक मिर्ची का तीखा मीठा अचार, तीखा मीठा अचार बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे एक टेस्टी आलू का पराठा थोड़ा सा हटके। तो आइए देखते हैं। तो आइए बनाते हैं चटपटा मिर्ची का अचार और साथ में आलू का पराठा। अचार बनाने के लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी राई। मसाले ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी सौंफ और ज़रा सा ज़ीरा। तो यहाँ पे हमने छौंके में 3 मसाले डाले हैं, राई, सौंफ, ज़ीरा। इन्हें हम हल्का सा भूनेंगे और इसमें डाल देंगे मिर्ची। अब ये मिर्ची आपको साबुत लग रही है लेकिन साबुत नहीं है, इसको मैंने स्लिट किया हुआ है, पहले दिखाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मिर्ची को हम बीच में से स्लिट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए और अंदर जो बीज है ना उसका भी थोड़ा तीखापन कम हो जाए और ये बहुत बढ़िया बने। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी, कुछ और नहीं डालना है। और वो कलौंजी मसाला जो हमने पिछली वाली रेसिपी में सीखा है वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये सारी कुकिंग जो है हमारी ये लो फ्लेम पर हो रही है। तो यहाँ पर मिर्चें हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब हम इसमें डालेंगे वो कलौंजी मसाला जो हमने बनाया था और साथ ही ज़रा सा अमचूर, क्योंकि हम इन मिर्चों को तुरंत खाने वाले हैं तो इसमें खट्टा अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलौंजी मसाला मिलाने के बाद में इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि कलौंजी मसाला ऑलरेडी भुना हुआ होता है। और यहाँ पर हम डालेंगे फूड फॉर फूडीज़ का स्पेशल टच जो है 1 चम्मच चीनी। हाँ गाइस, मिर्च के अचार में चीनी, एंड ट्रस्ट मी जब आप इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चीनी डालने के बाद में फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम कढ़ाई को खाली कर लेते हैं क्योंकि हम इसी कढ़ाई में अपनी आलू की पिट्ठी बनाने वाले हैं, ताकि जो थोड़ा सा मसाला है उसका फ्लेवर हमारी पिट्ठी में आ जाए। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सरसों का तेल और डाला है, साथ में सौंफ और ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और साथ ही इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। यहाँ पे जो असली फ्लेवर आने वाला है वो बेसन का ही आने वाला है। बेसन को बस 1-2 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी से भुन जाता है, इसे चलाते रहिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे प्याज को भी हमें काट के तैयार रखना है। अब हम हल्का सा प्याज को भून लेंगे। आप चाहें तो बेसन बाद में डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है प्याज ज़्यादा भुन जाता है, इसमें क्या रहेगा प्याज में थोड़ा क्रंच बाकी रहेगा। तो हमारा बेसन प्याज भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें है ज़रा सी हल्दी, ज़रा सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर। यहाँ पर गर्म मसाला नहीं डालना है, गर्म मसाले की जगह हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये भुना ज़ीरा पाउडर है और इसका अपना फ्लेवर होता है आलू के पराठों में और बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इन मसालों को बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए, अभी इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फाइनली हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम आलू के हिसाब से भी इसमें नमक डाल रहे हैं। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक तरफ मैंने आलू को पहले से बॉयल और मैश करके रेडी रखा हुआ है ताकि जैसे ही हमारा ये मसाला भुन के तैयार हो हम इसमें आलू मिक्स कर दें। तो यहाँ पे 3 बड़े आलू थे जिनको मैंने बॉयल करके मैश करके रखा हुआ था। यहाँ पे एक टिप है कि मैश करने से अच्छा आप इन आलूओं को ग्रेट कीजिए। ग्रेट करने से जो पिट्ठी होती है वो ज़्यादा स्मूथ बनती है और आलू के पराठे जब हम बनाते हैं तो वो फटते नहीं हैं।
तो इसको हम बस एक दो मिनट के लिए भूनेंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच नींबू का रस हल्की सी खटास के लिए, और साथ ही थोड़ी सी धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बट अगर धनिया ना हो तो भी चलेगा। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी पिट्ठी बनके तैयार हो गई है, और आप इसे कभी आलू प्याज की कचौड़ियाँ बनाएं तब भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पराठे। इसके लिए एक थोड़ी मोटी सी अच्छी सी लोई लेंगे और इसे अच्छे से बर्तन से लपेट देंगे। हाथों से घुमा के एक कटोरी नुमा आकार बनाएंगे, और जितनी बड़ी हमने लोई ली है उतना ही हम इसमें आलू फिल करेंगे। उससे आलू ज़्यादा हो सकता है मगर कम मत रखिएगा। आलू को अच्छे से हम प्रेस करेंगे अंदर की तरफ और इसे अच्छे से सील कर देंगे। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा आटा रहेगा वो हम निकाल देंगे। इसे फ्लैट करेंगे और अच्छे से बर्तन से लपेटेंगे और पराठा बनाएंगे। यहाँ पे जब हम आलू के पराठे बनाने के लिए आलू लेते हैं तो वो चिप्सोना लेने चाहिए। चिप्सोना आलू काफ़ी ड्राई होते हैं और इसके पराठे बहुत ही आसानी से बेले जाते हैं। और अगर आलू दूसरी क्वालिटी के हों तो आप उन्हें रात को उबाल के फ्रिज में रख दीजिए, उससे आलू थोड़े से सेटल हो जाते हैं और पराठे आसानी से बिलते हैं। और इसे हम रेगुलर पराठों की तरह से सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लिप नहीं करना है। टिफ़िन के पराठों में हमेशा याद रखिए फ्लिप ज़्यादा नहीं करना है। इसको दोनों तरफ से पलटेंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया बना है। इसमें आटा और आलू लगभग बराबर है, बल्कि आलू थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और घी मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारी पिट्ठी ऑलरेडी इतनी टेस्टी है कि ये पराठे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बस इन्हें अच्छे से सेक लीजिए और उसके बाद में सर्व कीजिए मिर्ची के अचार और दही के साथ में। ज़रा देखिए पराठा अंदर से कितना बढ़िया है, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली यही मेरा ब्रेकफास्ट है, तो फटाफट से हम ब्रेकफास्ट इन्जॉय करते हैं। सो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा कि आपको ये मिर्ची का अचार और आलू के पराठे का कॉम्बिनेशन कैसा लगा, और जाड़ों में पक्का आप इसे इन्जॉय करने ही वाले हैं। बस हाँ, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये था हमारा ईजी वेंसडे। ये थी हमारी आलू के पराठे और मिर्ची के अचार की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे भी जाड़ों का मौसम आने वाला है और जाड़ों में तो आलू के पराठे, वाह क्या कहना, बच्चों के भी फेवरेट होते हैं। तो अब थर्सडे के टिफ़िन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मली हम लोग इसमें कुछ राइस का बनाते हैं, बट जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज के टिफ़िन में बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं, तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेज, वो भी वेज कोरमा स्टाइल से। और बहुत से लोग कहते हैं हेल्दी रेसिपीज़ या डाइट रेसिपी शेयर कीजिए, तो आप इस रेसिपी को डाइट रेसिपी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। तो आइए देखते हैं मिक्स वेज। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मिक्स वेज। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी सब्जियां चॉप करेंगे। यहाँ पे 10-12 बीन्स ली है मैंने, एक गाजर है, एक छोटा सा आलू है और साथ ही है गोभी। इसको गर्म पानी में भिगो दिया था हल्दी और नमक डाल के ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए, और इसको भी हम छन्नी में रख देंगे। आप यहाँ पे स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको मैंने आज इसी तरह छन्नी और भगोने में DIY स्टीमर बना के स्टीम किया है। तो यहाँ भगवाने में गर्म पानी रखा है, नीचे ऊपर रखी है छन्नी, और इसको हम ढक के रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये सब्जियाँ अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। इसको चेक करने के लिए हम आलू को प्रिक करके देखेंगे कि इसमें नाइफ प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारी सब्जियाँ अच्छे से स्टीम हो गई हैं। और इसी के साथ साथ हम ग्रेवी की तैयारी करते रहते हैं। इसकी ग्रेवी प्रॉपर सात्विक ग्रेवी है, इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ बेस है 2 टमाटर, इसको हम रफली चॉप करके ब्लेंडर जार में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं देसी टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़े से खट्टे होते हैं ये। और साथ ही डालेंगे 15-17 काजू, काजू से इसे थिकनेस मिलती है और ग्रेवी हमारी रिच होती है। साथ ही डालेंगे 1/2 कप नारियल, जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है, फ्रेश नारियल लिया है, हरी मिर्च और अदरक और एक छोटी सी इलायची एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। इसे ग्राइंड करके एक तरफ रख लेंगे और पैन में डालेंगे बिल्कुल 1 चम्मच तेल। इसे हम बहुत कम घी तेल में बनाएंगे क्योंकि कोकोनट में अपना तेल होता है। और साथ ही डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें है जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। इन मसालों को हल्का सा भूनेंगे और जैसे ही मसालों में से अच्छे से खुशबू आने लगेगी, हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल जरा सी हींग। ये देखिए इसमें जरा सी हींग हम डाल देते हैं, और बिल्कुल जरा सी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। बस कश्मीरी मिर्च से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। इसको हम बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे
और टमाटर वाली ग्रेवी को हमें यहाँ पे रेडी रखना है। इसको हम तुरंत से डाल देंगे ताकि जो हमारी मिर्च है, हींग है, बाकी मसाले हैं वो बिल्कुल जले नहीं। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी डाल दी है। अब इस ग्रेवी को हम थोड़ी देर पकाएंगे। जो डाइट के लिए खाना बनता है, जो बिल्कुल सात्विक खाना बनता है, उसमें इस ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, लेकिन हम लोग टिफ़िन के लिए खाना बना रहे हैं जो लगभग 6 घंटे बाद खाया जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। फ्लेम को लो कर लीजिएगा क्योंकि हमारी ग्रेवी में है काजू, क्योंकि काजू की टेंडेंसी होती है वो पैन को पकड़ने लगता है हाई फ्लेम पे, देखिए लगने लगा है, इसीलिए हमें इसे चलाते रहना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसको हम इसी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर और शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च से एक बहुत अच्छा सा क्रंच मिलता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। साथ ही इसमें वो सारी वेजिटेबल्स जो हमने स्टीम करी थी, गाजर, गोभी, आलू और बीन्स, वो भी हम डाल देंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और अगर आप डाइट पे जाते हैं या कोई लेस कैलोरी खाना खाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी सब्जियां डालें, जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे एक जादू। इसमें हम काफ़ी सारा पानी डालेंगे और जो कैशोनट है, कोकोनट है, इनकी टेंडेंसी होती है ग्रेवी को थिक कर देने की, तो आप इसमें जितना पानी डालेंगे वो पूरा थिक कर देगा। अभी देखिए ग्रेवी कितनी पतली लग रही है। अब हम इसे ढक के 2-3 मिनट पकाएंगे और उसके बाद आप ग्रेवी देखिएगा इतनी बढ़िया हो जाएगी। कितनी कलरफुल और हेल्दी है ये सब्जी। ढकने से पहले थोड़ा सा सीजन कर देते हैं, ज़रा सा नमक और बिल्कुल ज़रा सा इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, दो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिक्स कर देते हैं। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सब्जियाँ सारी ऑलमोस्ट पकी हुई हैं और शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो यहाँ 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। गाइस आप ज़रा इस सब्ज़ी को देखिए, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। देखने में कितनी सुंदर लग रही है और सारी सब्जियों का फ्लेवर इसमें प्रॉपर से आता है। ग्रेवी एकदम थिक हो गई है, गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ परफेक्ट लगती है। और इसमें हम फाइनली 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं क्योंकि हमारे टमाटर थे देसी वाले, थोड़े खट्टे थे। आप इसे ऐसे ही टेस्ट करके देखिएगा, ऐसे ही परफेक्ट लगे तो चीनी मत डालिएगा। और ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये थोड़ी सी इंस्पायर्ड है साउथ इंडियन वेज कुरमा से, तो उसकी रेसिपी हल्की सी अलग होती है। तो फिलहाल हम इसे टिफ़िन में रख रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉपर हम साउथ इंडियन वाला टच देंगे। और मैं आज इसको प्लेन उत्पम के साथ रख रही हूँ। प्लेन उत्पम का जो बैटर है, इसकी रेसिपी आपको मिलेगी हमारे अगले वीडियो, डोसा वाले वीडियो में। अभी मैं सिंपल आपको उत्पम बना के दिखाती हूँ कि इस बैटर से कितने अच्छे उत्पम बने हैं। यहाँ पे हमने पैन को हल्का सा ग्रीस किया हुआ है और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना बैटर, अच्छे से फैला देंगे, ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लिप करके फिर पका लेंगे। गाइस ये देखिए हमारे प्लेन उत्पम बनके तैयार हो गए हैं और ये ऐसे ही सॉफ्ट रहने वाले हैं शाम तक, और ये टिफ़िन में जाने के लिए तैयार है। गाइस पर्सनली ये टिफ़िन मुझे बहुत अच्छा लगा, हेल्दी लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो गाइज ये था हमारा थर्सडे का टिफ़िन जो रेगुलर रोटी चावल से थोड़ा हटके था। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। ये भी आप लोग की ही डिमांड थी, कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसमें कि रोटी चावल के अलावा हम क्या ले जा सकते हैं, मैदा भी नहीं चाहते, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जिन लोगों की डिमांड थी वो तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताएं कि उनको कैसा लगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने फ्राइडे की तरफ, जिसकी मैंने आपको छोटी सी ग्लिम्प्स दी थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जब हम लोग पूजा के लिए खाना बना रहे थे। तो आज बनाएंगे खट्टा मीठा कद्दू और उसके साथ में मैं आपको 2 टिप्स दूंगी अच्छी कचौड़ियाँ बनाने की। कचौड़ी की रेसिपी मैं नीचे लिंक कर रही हूँ और आइए देखते हैं खट्टा मीठा कद्दू। तो आइए बनाते हैं पराठे और पूड़ी के साथ खाया जाने वाला खट्टा मीठा कद्दू। और इसके लिए हम कढ़ाई में गरम करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और डालेंगे ज़रा सी हींग। साथ ही इस छौके में हम डालेंगे मेथी, सौंफ और मिर्च, 3 चीज़ें और डाली हैं हमने। इन्हें ज़रा सा भून लेंगे। जब हलवाई ये सब्जी बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा तेल डालते हैं और देगी मिर्च भी डालते हैं, बट यहाँ मैं इसे आज बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। और जैसे ही सौंफ और मेथी चटक जाएगी हम इसके अंदर डाल देंगे कद्दू, जिसे हमने पहले से काट के रखा हुआ है। इसको आप चाहे तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं अगर मुलायम छिलका है, अदरवाइज आप इसे छील के भी बना सकते हैं। मसाले डाल देते हैं इसमें, जो है हल्दी, थोड़ा सा नमक, नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि कद्दू जो है पकने के बाद में इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए ध्यान रखिएगा। डालेंगे ज़रा सी लाल मिर्च और साथ में डालेंगे धनिया पाउडर।
ये देखिए बिल्कुल बेसिक मसाले हमने इसमें डाले हैं। अभी हमें गरम मसाला नहीं डालना है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, बस एक मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे ताकि ये मसाले भी कद्दू के साथ में भुन जाएं अच्छे से। और अब हम इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे। अगर कद्दू बिल्कुल ताज़ा है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है पानी की, बट अगर एक दो दिन फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। इसे धीमी आंच पे हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हम देखते हैं, ये देखिए कद्दू गलने लगा है। और ये 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे कद्दू बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें बाकी सीजनिंग डालते हैं, जिसमें है थोड़ा सा अमचूर, इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है। अगर आपके पास में अचार का मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आम के अचार का मसाला। और साथ ही हम डालेंगे ज़रा सा गरम मसाला। और अब ये खट्टा मीठा कद्दू है तो इसमें तो थोड़ी चीनी जाएगी ही, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, ताकि इसका बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट निकल के आए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक कि चीनी हमारी पूरी तरह गल नहीं जाती और ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अब ये अपनी अपनी प्रेफरेंस पे है कि अगर आप इसको थोड़ा सा लटपटा चाहते हैं तो आप कद्दू को थोड़ा सा फोड़ सकते हैं, या आप कद्दू को थोड़ा साबुत रख सकते हैं। हमें तो लटपटा वाला ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा पसंद है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। हमारा चटपटा कद्दू बनके तैयार हो गया है और ये बुला रहा है अपनी फ्रेंड कचौड़ी को। कचौड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ऊपर भी लिंक कर दूंगी। और फेस्टिव सीजन आ रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ में 2 टिप्स शेयर करती हूँ कचौड़ी बनाने की। एक तो जब हम कचौड़ी की दाल को भूनते हैं तो वो कई बार कढ़ाई में बहुत बुरी तरह लग जाती है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप बहुत सारा तेल डालिए, या फिर इसको लगने के बाद में गैस बंद करके ऐसे ही पूरी कढ़ाई में फैला दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा आप इसे धीरे धीरे चमचे से कुरेदिए और ये सारा का सारा अपने आप निकल आएगा। इसको गरम गरम में खाली करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो बहुत मेहनत लगेगी और कई बार लोग ऐसे ही रख देते हैं धोने में बिना निकाले। तो आप एक एक कचौड़ी की जो दाल है उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, कचौड़ी को तेल में डाल के एक बार पलट लीजिए और उसके बाद में दबाइए। ये देखिए थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए तेल में और उसके बाद में दबाइए, तो आपकी जो कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल फूली फूली बनेंगी। खूब सारी फिलिंग के साथ में बढ़िया सी कचौड़ियाँ बनाइए और फोटोग्राफ्स हमारे साथ शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिफिन रेसिपीज मुझे ज़रूर बताइए। सो गाइज, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। प्लस आप इन रेसिपीज़ में से अगर कुछ फॉलो करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें टैग कर सकते हैं #foodforfoodies6। और आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के फोटोग्राफ्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ में। बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़, थोड़ी सी सात्विक, थोड़ी सी नवरात्रि स्पेशल आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से पता लग सके, जैसे ही हम लोग रेसिपी अपलोड करें वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। मैं भी तो हाँ बोलो। सो गाइस, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।